हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप होस्टिंगर होस्टिंग में अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं और साथ ही उसमें कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं शिवम विश्वकर्मा फ्रॉम सुबह इटल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होस्टिंगर होस्टिंग को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला इंटरफेस आएगा वो कुछ आपको ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी होस्टिंग होगी, जो भी होस्टिंग प्लान आपका होगा, उसका नाम यहाँ पर दे रहा होगा और यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर डोमेन्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट ऐड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डोमेन नेम और डोमेन का पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पर डाल देना है, जिस भी डोमेन नेम को आपको ऐड करना है अपनी इस होस्टिंग में। तो यहाँ पर हम डोमेन नेम डाल देंगे, तो आप केयरफुली डोमेन नेम आप डालिए, जो भी स्पेलिंग वगैरह हैं आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो केयरफुली सारी चीज़ें भर दीजिए। आपको एक काम करना है कि आपको अपना डोमेन नेम कहीं पर राइट कर लेना है या गूगल पर सर्च कर लेना है, उसके बाद उसको कॉपी करके यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर करना है कि आपको एक पासवर्ड देना है, ठीक है। आप पासवर्ड कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं रैंडम, ठीक है, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। यह पासवर्ड सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पज की वजह से है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। ओके, पासवर्ड देने के बाद अब हमें ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो गया है, हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने अपनी होस्टिंग में जो है अपना डोमेन ऐड किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि अभी हमें DNS में जा कर के इस होस्टिंग के जो भी IP एड्रेस है या फिर नेम सर्वर है उन्हें DNS में ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पर डोमेन ऐड किया है, तभी प्रॉपरली जो है हमारा डोमेन इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारा डोमेन सक्सेसफुली ऐड हो गया या फिर नहीं। यहाँ पर हमारा डोमेन सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हम DNS में चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको एक स्टेप बैक कर लेंगे, ठीक है। जब आप बैक करेंगे तो यहाँ पर HPanel आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी होस्टिंग का IP एड्रेस मिल जाएगा और आपको यहीं पर नेम सर्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने जहाँ से डोमेन बाय किया था उस कंपनी को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद उसके DNS सेटिंग पर आप आ जाइए, ठीक है, DNS जोन में। तो यहाँ पर हमने अपना डोमेन क्लाउड फेयर पर जो है होस्ट करके रखा हुआ है। क्लाउड फेयर पर रखने का सबसे फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी DNS में चेंजेस करते हैं तो वो हमारा डोमेन, हमारी वेबसाइट काफ़ी तेज़ी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप भी अपना डोमेन क्लाउड फेयर के साथ ऐड करके रखिए, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी काफ़ी सही होता है। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन है, ठीक है, उसके हम DNS में आ जाएंगे और DNS में आने के बाद यहाँ पर हम अपने DNS जो भी हैं होस्टिंगर के वो ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे IP एड्रेस और कॉपी करने के बाद चलेंगे और जो टाइप है A, ठीक है, और यहाँ पर होस्ट है जो अपना डोमेन नेम है वो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सीरियल से स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी यहीं से हम डिलीट कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ब्लैंक होगा, ठीक है, ब्लैंक होगा और इसके बाद रिकॉर्ड में आपको आना है। रिकॉर्ड में आने के बाद यहाँ पर ए टाइप, ठीक है, जो टाइप है ए, उसके बाद रूट, ठीक है, नेम जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको @ डाल देना है। उसके बाद जो आपने IP एड्रेस वहाँ से कॉपी किया इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको एक रिकॉर्ड फिर से लेना है जिसका टाइप ए ही रहेगा और यहाँ पर आपको डालना है www, ठीक है, 3 बार, एंड फिर से आपको IP एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब हम जो है IP एड्रेस डाल चुके हैं, तो अब अपनी हम जो डोमेन हम वहाँ पर इंटर किए थे उसको ओपन करके देखेंगे क्या वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है इनकॉग्निटो मोड पे आएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना डोमेन नेम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हमारा डोमेन होस्टिंगर पर जो है ऐड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर होस्टिंगर की टेम्पलेट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है DNS में नेम सर्वर भी ऐड कर सकते हैं,
तो सीधा रिकॉर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहीं पर हम डाल देंगे एनएस नेम सर्वर। उसके बाद यहाँ पर ऐट द रेट ही डाल देंगे और यहाँ पर नेम सर्वर डाल देंगे। तो यहाँ से हम नेम सर्वर कॉपी कर लेंगे एंड इसको भी यहीं से हम सेव कर लेंगे। एंड सेकेंड नेम सर्वर भी हम यहाँ पर सेम वैसे लेंगे एंड यहाँ से एनएस ले लेंगे नेम सर्वर एंड एट द रेट यहाँ पर भी कर देंगे और जो नेम सेकंड वाला नेम सर्वर है उसे भी कॉपी यहाँ से कर लेंगे एंड इसको भी यहीं पर पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम चलेंगे, हम फिर से जो है साइट को रिफ्रेश करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइट हमारी प्रॉपर ओपन हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन है वह होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें इस पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे अब हम वो जान लेते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाएंगे वापस अपने एच पैनल में होस्टिंग करके, और एच पैनल में आने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका डोमेन नेम यहाँ पर वैसे दिखने लगेगा। उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑटो इंस्टॉलर का। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है दो चार स्क्रिप्ट मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो हमें वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर एंड एक जो है हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो है टाइटल देना है, जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल डाल दीजिए, जिस ईमेल को यूज करके आप अपनी इस साइट को पूरा एक्सेस करना चाहते हैं वो वाली ईमेल यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यूजर नेम डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। यूजर नेम आपको यहाँ पर वो डालना है जिसका यूज करके आप अपनी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है उस पर जो है लॉग इन करेंगे, उसमें इंटर करेंगे। तो इसको आपको डालने के बाद आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या डाला, इसलिए आपको इसे कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया सारी चीज़ें। एडवांस में आपको जो है यहाँ पर डाटाबेस का सारा ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी ही डिटेल यहाँ पर डालनी है और डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्डप्रेस का वर्जन जो कहेगा, तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन ही लेना है। यहाँ पर हमें कुछ भी सेटिंग्स नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसे ही रखना है। लैंग्वेज आप इंग्लिश है, ठीक है, अगर आपको कुछ और रखना तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश ही सबसे बेटर है। उसके बाद यहाँ पर जो PHP वर्जन होना चाहिए मैक्सिमम, जो लेटेस्ट वर्जन इसका भी होना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए, नहीं बाद में आपको जो है दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेड दिखा रहा, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आगे हमने सिस्टम करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश होकर के हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है, जहाँ पर हमें जो है अपनी जो plesso.xyz जो वेबसाइट है, ठीक है, जो डोमेन है, यहाँ पर आप देख लीजिए डोमेन नेम, उसके बाद उस पर वर्डप्रेस और जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि जो साइट जो है इंस्टॉल्ड है, वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इसके बाद वर्डप्रेस का वर्जन है और PHP वर्जन भी यहाँ पर शो कर रहा है पूरा, और यहाँ पर डेली बैकअप के लिए जो है प्लान भी दिखा रहा है, और यहाँ पर डाटाबेस भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे साइट में जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और काफ़ी आसानी से प्रोसेस है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीख लिए होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।